बहरहाल इस पर मैं बात करूं, प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आपके पास आऊंगा कि आप क्यों नहीं मानते महंगाई को एक उतना गंभीर मुद्दा या महिलाओं से संबंधित मुद्दे को। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आप सुन लीजिए। ममता का प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप, मोदी शाह को ममता ने सिंडिकेट का नेता बताया। बंगाल आकर सिर्फ झूठ बोलते हैं, कहा ममता बनर्जी ने। प्रधानमंत्री झूठ बोले, इस पर ताज्जुब होता है। शुक्र है ममता, इस दौरान जबकि सब कुछ हाई वोल्टेज चल रहा है, पहले की तरह ये नहीं कहती कि वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि यहाँ आकर झूठ बोलते हैं तो ताज्जुब होता है। सानी धापा करते हैं और यहाँ आकर झूठ बोलते हैं, क्या सानी धापा होता है और वहाँ जाकर झूठ बोलकर लोगों को अपनी तरफ लाने की क्या कोशिश होती है? सैयद जफर इस्लाम, देखिए ममता बनर्जी के बारे में पहले जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो शुद्धो बनर्जी बैठे हैं, जो अपने आप को शायद आप एनालिस्ट करके बुलाया, तो उनको लग रहा है ऐसा कि उनको पूरे बंगाल के बारे में पूरी समझ है। अगर समझ है तो ज़रा इलेक्शन में लड़ लो इलेक्शन, किसी पार्टी के एडवाइज़र बन जाओ। यहाँ पर टीवी में आके खुलासा करने से अच्छा है कि अपनी जितनी समझ है वो लोगों को दिखाने का कोशिश करिए। शुद्धो जी बनर्जी जी, इतनी जो कठोर तरीके से जो आपकी बातें हैं, हम कठोर तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिन पार्टी के एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, इसलिए आपको शराफत से जवाब दे रहे हैं कि देखिए अपनी सीमा में रह के अगर आप बोलिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब चादर से फैला शुद्धो बनर्जी जब आप कुछ कह रहे थे सैयद जफर इस्लाम के बारे में भी, तो पूरे धैर्य के साथ वो सुन रहे थे, यही आप करें अभी जब वो कह रहे हैं, सुने बाद में जवाब दीजिएगा। नहीं भाई, आप प्रधानमंत्री के स्मारक के बारे में कह रहे, प्रधानमंत्री के स्मारक बना देंगे, आप जैसा घटिया इंसान नहीं देखा है जो कि अपने स्वयं प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा है कि वो उसके स्मारक बना दिए गए हैं अहमदाबाद में। देखिए पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिक्स करते हैं सेवा के लिए, हमको ऐसे जो तृणमूल कांग्रेस के ये फॉलोअर हैं या उनके इनकी जो मानसिकता यही है कि कठोर मानसिकता, लोगों के मौत के घात उठा दो, हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता उनको मारो, लाठी डंडा चक्कर मारो, उनको मौत के घाट उतार दो, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से ये गुंडागर्दी वाली बात करते हैं। मैं आपको शराफत से बोल रहा हूँ, एक अच्छे पार्टी का एक अच्छे पार्टी का सोल्जर होने के नाते से कह रहा हूँ कि हमने जब कहा कि हमारी कोई वहाँ लड़ाई नहीं, तो हमने लोग कहा साथ में कि हमें लोगों का जो है कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ है और पर्याप्त अमाउंट में प्राप्त है, इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी पॉलिसी जो रही है देश हित में रही है, जनहित में रही है। कोई हवाई चप्पल पहन के चले और जरा भतीजा का घर देखो तो तब समझ में आता है कि ये जो खोखला जो तरीका है ना आपका, वो नहीं है। अगर है मानसिकता कुछ और आपके, दिखाने के लिए कुछ, खाने के लिए दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और, वैसा है। अभिषेक बनर्जी का तो एकदम हवेली बना के रखा है और खुद को जो है तेली के जैसा, मतलब इसका जवाब ले लेते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।